कार्तिक के टू। यार इस मूवी का नाम आपने अभी तक सुन लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं जाके देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यार अभी तक देखने के लिए बेकरार हो गए होंगे। जी हम बात करने वाले हैं इसी मूवी के बारे में, कोई रिव्यू नहीं करेंगे। रिव्यू देखने आए तो चैनल पर चले जाओ, हमने कल यार डाल दिया था रिव्यू इसका। इसमें हम बात करेंगे कि इसके यार शो किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों के बीच क्यों इसको देखने के लिए एक्साइटमेंट बनी पड़ी है और क्या है इसमें ऐसा खास। और साथ में देखो जो इसके साथ खेल हुआ था ना स्टार्टिंग में, वो उल्टा जैसे यार कश्मीर फाइल के साथ हुआ था वैसे इसी के साथ भी होने वाला है, देख लेना। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। छोटी सी वीडियो होने वाली है और इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो देखो यार, पहले बात, जब ये मूवी हिंदी में रिलीज होती है तो मुश्किल से इसको 50-100 मिलते हैं, मुश्किल से। ज्यादा होंगे 100 और गिन लो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, लगभग 60 मान के चलते हैं पहले दिन पे। और इतने कम शो पे मूवी रिलीज होती है, लोग देखते हैं, जो भी देखता है जहां भी देखता है लगभग हर तरीके से तारीफ करता है इस मूवी की, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो सच में लाजवाब है। कसम से आप इस मूवी के सभी पोर्शन के बाद छोड़ दो, सिर्फ अनुपम खेर जहां पर हमें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और वहां पर भगवान कृष्ण को लेकर कुछ बोलते हैं, वो जाके एक बार सुन के देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गारंटी से खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यार बहुत जो उनकी पूरी स्पीच है जिस तरीके से देते हैं वो, और लास्ट में उनके आंखों में आंसू होते हैं, मतलब यार बवाल टाइप। वो जिस तरीके से कार्तिक के वाले कैरेक्टर को समझाते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है और किस तरीके से हैं हर चीज में, वो चीज यार लाजवाब थी। और उसी छोड़ दो यार, जिस तरीके से यार भगवान कृष्ण के बारे में बताया जाता है, जिस तरीके से द्वारिका नगरी के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया कि हाँ ये सब मैथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या फिर भगवान शिव हो, तीनों के बारे में लास्ट में डायलॉग बोलता भी है कार्तिक के। तो ये सब चीज जब ऑडियंस ने देखी तो यार बेकरार हो गई और सब ऑडियंस को भी देखने के लिए बोलने लगी। बाकी जिसने रिव्यू किया वो तो अच्छा बोला ही, और 100% आनी भी चाहिए थी यार, क्योंकि कंटेंट बहुत कुछ नया दिखाता है हमें। और देखो मूवी का बजट बहुत ज़्यादा कम था और उस हिसाब से जिस तरीके से कंटेंट के लोग रखते हैं, बीजीएम इसका या फिर बाकी सब चीज़ें लाजवाब थी। हाँ भाई, अगर तुम मूवी के बजट यार 20 करोड़ है मान लो, और उस बीच में थोड़ा सा ऐसा बीएफएक्स हमें देखने को मिलता भी है तो हम काम चला लेंगे, क्योंकि कंटेंट जो दिखाता है उस पर हमें गर्व होना चाहिए और यही चीज़ ये मूवी करती भी है और इसीलिए इसको सपोर्ट बनता है। अब इसका खेल बताऊं, देखो जैसे स्टार्टिंग में इसको 60-100 मिले, उसके बाद देखो दूसरे दिन पे एकदम से 250 हो जाते हैं, और तीसरे दिन पे भाई अकेले दिल्ली में यार स्टार्टिंग में हिंदी शो के लिए सिर्फ 300 थे इसके, वो भी यार 11 बजे से स्टार्ट थे, और आज प्रेजेंट में इसके लगभग 9 से 10 हैं, और वहीं कल के लिए लगभग 4000 हैं। सोच लो हिंदी के, वहीं मुंबई में भी यही हाल है, स्टार्टिंग में लगभग 900 थे, उसके बाद यार आज इसके 2000 हुए और लगभग कल के लिए 500 बुक हो चुके हैं। और इसी तरीके से शो इसके इंक्रीज हो रहे हैं, लगभग सभी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे सिटी में नहीं है और हमारे सिटी में लगाया जाए। और देखो यार सही बात है, इस समय लाल सिंह चड्ढा भी कोई कमाल दिखा नहीं रही है, रक्षाबंधन भी चल नहीं पा रही है अच्छे रिव्यू के बाद भी, और लाल सिंह चड्ढा को तो चलना ही नहीं था। और देखो जब ये सारी मूवीज नहीं चल रही थी, इन सभी के शो यार इस मूवी को मिले तो अच्छी कमाई करके जाएगी, गारंटी से लिख को देख लेना कि मूवी जिस तरीके से चल रही है ना, बवाल मचा देने वाली है आने वाले सप्ताह में, और रिकॉर्ड तोड़े कमाई करने वाली है। फर्स्ट डे हिंदी में इसने यार 7 लाख रुपए कमाए लगभग यार सिर्फ 50 शो पे। तो सोच लो यार, जब इसको यार भरपूर शो मिल जाएंगे, 1000 से 1200 स्क्रीन अगर मिल जाए इस मूवी को, तो कितना कमा के देगी प्रोड्यूसर को और कितना बॉल मचाएगी, ऑडियंस को कितना पसंद आएगी। आज प्रेजेंट में भी जितने भी इसके शो हैं लगभग सभी यार हाउसफुल पड़े हैं, चाहे मुंबई में हो या फिर दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, चंडीगढ़ में हो, हर जगह यार, और लोग हर तरीके से यार डिमांड कर रहे हैं कि भाई यार मेरे पास सोने लगा, भाई मेरे पास सोने लगा। और ये सबसे बड़ी गलती है इस समय की यार जो हिंदी में इसके प्रोड्यूसर की, यार भाई तुम लगवा दो, जहां लग सके वहां लगवाओ, कसम से इसको ऑडियंस देखने के लिए बेकरार पड़ी है। और ये चीज़ यार ये दिखाती भी है, देखो अभी इसका कलेक्शन यार बहुत ज़्यादा निकल के तो नहीं आए, तो 7 लाख आपको कम लग रहा होगा, पर हाँ 50 सिर्फ स्क्रीन पर रिलीज हुई और उसके बाद इसने इतना कमा के दिखाया, तो सोचो जब इसकी स्क्रीन बढ़ेंगे तो कितना कमाएगी। और इसको तेलुगु में भी यार बहुत कम स्क्रीन मिले थे, तब भी यार इसने 8 करोड़ ग्रोस कलेक्शन करके दिखा दिया है, लगभग 3 करोड़ के पास में इसका शेयर कलेक्शन है पूरा इसका, और वहीं सिर्फ निजाम से लगभग यार 1 से 1.5 करोड़ रुपये कमाए हैं इसने, तो ये बहुत बढ़िया बात थी। ओवरऑल यार मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक और वीडियो आएगी इसी मूवी के ऊपर कि पार्ट 3 इसका आएगा नहीं आएगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल देखो ये खेल हो रहा है इसके पास, अगर आपके कंटेंट में पावर है तो भाई वो चलेगा जरूर, चाहे वो कश्मीर फाइल की बात कर लो या इसकी बात कर लो, और देख लेना अगर इसको शो और इसके बढ़ते रहे ना जिस तरीके से फिलहाल प्रेजेंट में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कमाई करके जाने वाली है और कई सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जो यार मुझे फिलहाल लग रहा है, क्योंकि यार हर ऑडियंस देखना चाहती है, हर कोई अपनी हिस्ट्री देखना चाहता है, और इन लोगों ने जिस तरीके से दिखाया कुछ भी गलत ना करते हुए, वो चीज़ यार लाजवाब है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और जाओ आपके आसपास में जहां लगी हो देखो इसे।